तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे की फिल्म हसीन दिलरुबा आज हो चुकी है रिलीज। कैसी रही है ये फिल्म, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। दोस्तों, फिल्म हसीन दिलरुबा की बात करें तो पिछले साल से फिल्म वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि फिल्म के अनाउंसमेंट काफी देर पहले ही हो गई थी और मेकर्स इंतजार कर रहे थे कि सिनेमा घरों में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने अपनी मूवीज को OTT पे रिलीज किया है और अब हसीन दिलरुबा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, फिल्म को आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया गया है। अगर इस फिल्म के रिव्यू को मैं रैप अप करूं एक लाइन में, तो फिल्म बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात थी एक्टर्स की एक्टिंग। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और अपने किरदार को अंत तक सस्टेन करके रखा है। सबने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर डायरेक्टर ने। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो विनील मैथ्यू ने फिल्म बनाई है। ये बॉलीवुड की उनकी दूसरी फिल्म है। उन्होंने डेब्यू किया था बॉलीवुड में फिल्म हंसी तो फंसी के साथ, लेकिन उस फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया गया। लेकिन अब 2021 में जब वो अपनी दूसरी फिल्म ले गए हैं जिसका नाम है हसीन दिलरुबा, इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तापसी ने इस फिल्म को काफ़ी देर से प्रमोट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तापसी को पता था कि उनकी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाएगा और ऐसा ही हुआ है। सबने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं और अगर हम इसके स्टोरी प्लॉट की बात करें तो धीरे धीरे करके आपको स्टोरी समझ आएगी, और अगर हम क्लाइमैक्स की बात करें तो क्लाइमैक्स आपको एक बार हैरान कर देगा। आप अंदाज़ा लगाते रहोगे कि फिल्म में अब ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन आपके अंदाजे के साथ फिल्म नहीं चलेगी। जो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर ने सोचा है वैसी फिल्म चलेगी और इस फिल्म का अंत आपको एक बार जरूर हैरान करेगा और आप इस फिल्म को जरूर थम्स अप दोगे। फिल्म की अगर हम बात करें तो फिल्म को आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया गया है। पूरी टीम ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं। मेकर्स ने धीरे धीरे करके इस फिल्म के सॉन्ग्स को रिलीज करना शुरू किया था ताकि फिल्म की हाइप बनी रहे। फिल्म के गानों को और इसके BGM को काफी ज्यादा पसंद किया जाएगा। और अगर हम फिल्म की रेटिंग की बात करें तो फिल्म डिजर्व करती है 3.5 स्टार। 1.5 स्टार इसलिए काट रहा हूं क्योंकि फिल्म की शुरुआत में आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके फिल्म आपको अपने साथ बांध लेगी। थोड़ी सी फिल्म स्ट्रेच हुई थी, लेकिन अगर आप इसको एक बार में देखोगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। ओवरऑल फिल्म की रेटिंग है 3.5 स्टार्स। तो ओवरऑल विनील मैथ्यू की फिल्म हसीन दिलरुबा डिजर्व करती है 3.5 स्टार्स। आपकी क्या राय है फिल्म हसीन दिलरुबा पे, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और बॉलीवुड के साथ ही जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।